हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की वीडियो जो है ऑन न्यूली लॉन्च नेल पेंट्स जो कि है फ्रॉम कलबा, एंड ये है कलबा कलर सर्कस बैलरीना नेल लैकर्स। सो इफ़ यू इंटरेस्टेड टू नो ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट दीज शेड्स एंड दीज नेल पेंट्स स्पेसिफिकली, देन यू आर एट द राइट प्लेस। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड इट विल मीन अ लॉट टू मी, सो डू सब्सक्राइब। या गाइज, मुझे आप लोगों से कुछ पूछना है। मैं जो है वीडियो बना चुकी हूँ NYB मैट नेल पेंट्स के बारे में, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल हैं। दे आर ओनली फॉर 80 रुपीज़ गाइज, और वो अमेजिंग है। और मैट नेल पेंट्स आपको 80 रुपीज़ में मिल रही है, दैट इज़ अनबिलीवेबल। आप लोग क्या देखना चाहते हो, पहले NYB मैट नेल पेंट्स के रिव्यू और स्वॉचेस, या फिर स्टेक वर्की की बैड एस आई लाइनर्स का रिव्यू चाहते हो? बिकॉज मैंने 3 शेड्स परचेज किए हैं और मैंने काफ़ी सारे अच्छे रिव्यू सुने हैं इनके बारे में, तो काफ़ी अच्छे कलर्स हैं और काफ़ी अच्छी कलर पे ऑफ है इनकी। सो नीचे कॉमेंट ज़रूर करना और मैं पहले वही वीडियो अपलोड करूँगी जो आप लोग चाहते हैं इन दोनों में से। सो प्लीज़ लीव अ कॉमेंट डाउन बिलो, एंड नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द एक्चुअल वीडियो। अगर आप नायका को फॉलो करते हो तो अभी नायका पे जो है रिसेंटली अभी पोस्ट किया था उन्होंने एक इमेज जो कि था फ्रॉम कलबा। कलबा की जो है ये सर्कस बैलरीना कलेक्शन जो है लॉन्च हुई है, उसमें जो है लिपस्टिक्स भी हैं और नेल पेंट्स थी। तो मुझे जो है लिपस्टिक्स कुछ खास डिफरेंट नहीं लगी, ऐसे शेड्स मेरे पास ऑलरेडी हैं तो मैंने नहीं सोचा उनको ट्राई करना। बट मुझे नेल पेंट्स जो है काफ़ी पसंद है, सोचा क्यों ना मैं ट्राई करूँ, बिकॉज काफ़ी सारे कलर्स जो हैं उसमें मुझे अट्रैक्टिव लग रहे थे, तो मैंने सोचा मैं उसमें से कुछ शेड्स जो है पिक करूँ। तो फर्स्ट शेड तो है ये जो कि 02 एलिगेंस, जो कि वेबसाइट पे जो है मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा था और मैंने कुछ और सोच के जो है इसे वो ऑर्डर किया था। मैं इसकी जो इमेज है कि वो कैसा दिख रहा था उसे कहीं अटैच कर दूंगी, और मैंने वही कलर सोच के जो है इसको परचेज किया था। बट आप लोग देख सकते हो इसका कलर जो है पर्पलिश पिंक है, ब्राइट फ्यूशिया पिंक नहीं है, जो कि मैं अज्यूम कर रही थी इस नेल पेंट को। सेकेंड शेड जो है वो है 04 एलियोर, एंड ये शेड बहुत ही प्रिटी है, ब्राइट मिंटिश ग्रीन कलर। तो ये दो शेड्स जो है मैंने परचेज किए हैं इस रेंज में से। देर आर 5 to 6 कलर्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग चेक कर सकते हो, उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप लोगों को कोई भी शेड परचेज करना है या फिर यही दो शेड्स परचेज करना है तो इनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। बाकी सारी चीज़ें अब हम बात करते हैं इन नेल पेंट्स के बारे में। आप इनकी पैकेजिंग देख सकते हो, मैं पैकेजिंग की जो है अभी वीडियो क्लिप जो है इंक्लूड कर दूंगी, जहाँ पर आप देख सकते हो इनकी एक्चुअल पैकेजिंग किस टाइप की है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. So guys, ये थी इनकी आउटर पैकेजिंग। अब मैं बात करती हूँ इनकी बाकी डिटेल्स के बारे में। ये ईच नेल पेंट जो है ये रिटेल करती है फॉर 350 रुपीज़, जो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। बट अगर आप लोग जानते हैं, अगर आप लोगों ने पहले भी कलबा के नेल पेंट्स को परचेज किया है, तो आप लोग जानते होंगे कि इनकी जो नेल पेंट्स हैं काफ़ी हाई क्वालिटी की होती हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं, और इसलिए थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं। तो ये भी 350 रुपीज़ की है, और आपको मिलता है कितना ML प्रोडक्ट, वो मैं आपको बता देती हूँ। You are getting 12 ml product in these nail paints. So आपको 350 रुपीज़ पे करके 12 ml जो है नेल पेंट मिलती है। साथ ही साथ ये जो जो चीज़ें क्लेम करता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इट सेज दैट आवर नेल लैकर्स इज नॉन येलोइंग, नॉन कैंसरजेनिक, डज नॉट ट्रांसफर ऑन टू नेल बेड, एंड इज क्रुएल्टी फ्री। तो ये सब चीज़ें जो है ये क्लेम करता है इस, तो ये सब जो है मेंशन था इसकी पैकेजिंग पे, और जो है इसके कैप पे लिखा हुआ है वंडर जेल। और इसकी जो है आप लोग देख सकते हो कितना प्रिटी गोल्ड कलर का जो है इसकी कैप है, और ये थीम जो है इनकी बेसिकली कलर सर्कस बैलरीना।
तो उसको काफ़ी ज़्यादा जो है ये कॉम्प्लीमेंट करता है, बिकॉज ये गोल्डन कलर की कैप है, ब्राइट बोल्ड कलर्स हैं और बहुत ऑफकोर्स उनकी ट्रेडिशनल जो पैकेजिंग है कलरबाल नेल पेंट्स की वही है. तो आई थिंक पैकेजिंग वाइज ये आपकी जो है वैनिटी पे रखी हुई, आपकी ड्रेसिंग टेबल्स पे रखी हुई बहुत ही अट्रैक्टिव लगने वाली है नेल पेंट्स. तो अब मैं आप लोग को फटाफट से जो है इन दोनों के नेल स्वॉचेस दिखा देती हूँ. सो लेट्स जस्ट सी द स्वॉचेस. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. सीन द स्वॉचेस, फर्स्ट शेड जो था वो था 02 एलिगेंस. ये जो है ये हमारा पर्पलिश पिंक कलर है और ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है. और आपको अगर पिंकिश पर्पल कलर्स बहुत पसंद हैं तो आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हो. मैंने कुछ और एज्यूम किया था बट इससे भी मैं हैप्पी हूँ, इसको भी मैं यूज़ कर सकती हूँ. सेकेंड शेड जो था वो था 04 एलियोर. ये जो कलर है ये तो मेरा फेवरेट है और मैंने इसको लगाया भी हुआ है और मैं इसको दूसरे हैंड पे भी लगाना चाहूँगी. ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा यू नो एक आपको बोल्ड लुक देता है, बोल्ड और एकदम क्लासिक लुक देगा आपको. ये है मिंटी ग्रीन सॉर्ट ऑफ कलर जो कि बहुत ही प्यारा है. इसमें थोड़ा सा ब्लू अंडरटोन भी है तो काफ़ी डिफरेंट है. मेरे पास इस तरह का शेड नहीं था तो मैं बहुत हैप्पी हूँ इस कलर से. गाइज अगर हम बात करें इनकी फिनिश की तो ये जो है वही शाइनी जो है जेल, जो नॉर्मल नेल जेल लाइक जो नेल पेंट्स होती हैं बिल्कुल वैसे ही इनकी फिनिश है. और इनका प्रॉपर ओपेक कलर लाने के लिए आपको प्रॉपर 2 कोट्स जो है अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद जो है आपको प्रॉपर फिनिश मिलेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इनकी ड्राइंग पीरियड की बात करो तो ऑब्वियस जैसे नॉर्मल जेल नेल पेंट्स को टाइम लगता है 3 to 4 मिनट्स एंड मैक्सिमम 5 मिनट्स आपको रखना चाहिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से ड्राई हो जाए. तो उसके बाद ही नॉर्मली ड्राई हो जाती हैं और बहुत ही अच्छा जो है लगती हैं आपके नेल्स पे, काफ़ी शाइनी है. सो गाइज ओवरऑल मैं इन नेल पेंट से काफ़ी खुश हूँ. मैंने ऑलरेडी पहले भी कलरबा के नेल पेंट्स यूज़ की हुई हैं और इनकी नेल पेंट्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं. आपके नेल्स जो हैं अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव या फिर आप लोग ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे नेल पेंट्स वेयर करते हो तो जो आपको येलो अपीयरेंस जो दे देते हैं नेल पेंट्स कुछ वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं. ऑफकोर्स यू आर पेइंग फॉर द क्वालिटी. अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी एक अच्छे नेल पेंट में और या फिर किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो इस तरह की नेल पेंट्स जो हैं उस वे में बहुत अच्छी हैं. और ऑफ कोर्स अगर आपको कलर बाकी नेल पेंट्स अच्छी लगती हैं तो आप डेफिनेटली इन्हें परचेज कर सकते हो. और इनके कलर्स जो हैं काफ़ी ब्राइट हैं और काफ़ी डिफरेंट भी हैं तो इसकी कलेक्शन ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लगी. और इसकी लिंक डेफिनेटली मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप परचेज कर सकते हो इनको nykaa.com से. और किसी वेबसाइट पर अवेलेबल है या नहीं वो मुझे आइडिया नहीं है, बट मैंने इसको ऑनलाइन परचेज किया है तो मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो. अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो यू नो द ड्रिल, आप लोगों को हिट करना है लाइक बटन. आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना. और मेरा दूसरा चैनल जो है ब्लॉगिंग चैनल दैट इज श्वेता व्लॉग्स, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो गो देयर एंड प्लीज सब्सक्राइब. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज मी श्वेता साइनिंग ऑफ. बाय बाय.